गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये मैंने नर्सरी से जो हिबिस्कस लाई थी और रिपोर्टिंग किया था। देखिए 20 डेज में इसमें कितने सारे बर्ड्स निकल आए, और ये मेरा पॉटिंग मिक्स का कमाल है। आप देख सकते हैं मैंने कौन कौन से पॉटिंग मिक्स और लगाते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए मैंने बताया हुआ है, और देखिए इसका रिजल्ट कितने सारे इसमें बर्ड्स आ रहे हैं, और लीफ दिखा दूँ, नए नए ये लीफ निकल रहे हैं। तो आज मैं आपको अपना एक डेंथस दिखाऊंगी। आप पहचान ही गए होंगे कि ये डेंथस का प्लांट है, और ये पर्पल कलर का डेंथस है मेरे पास, और ये मेरा पिछले साल का ही प्लांट है, और पिछले साल मैंने इसको बचा के रखा था। और एक दो और भी थे वाइट और रेड में, जो कि समर वेकेशन में घूमने गई थी तो वो सूख गया था। तो ये डेंथस को आप अगले साल के लिए भी गर्मियों ये बचा सकते हैं गर्मियों से। तो मैंने कैसे बचाया था वो बता दूँ। तो ये जितने भी ये सूखे फूल हैं इसको हटाते रहिएगा, ऐसे तोड़ते रहिएगा, तो ऐसे निकालते रहिएगा। अगर छोड़ दीजिएगा, आपको अगर बीज चाहिए तो इसमें बीज बन जाएंगे और इसी बीज ग्रो हो जाएंगे, और सीड भी शायद एक दो बन रहे हैं। एक मिनट दिखा दूँ, ये भी जैसे ये है, ये सूखने के बाद ये सीड बन जाता है। एक बार तोड़ के दिखा दूँ, पता नहीं इसमें सीड बना हो, बट अभी मुझे सीड नहीं चाहिए क्योंकि मुझे अभी फ्लावरिंग चाहिए। अभी फ्लावर हो रहे हैं, मेरे ख्याल से अप्रैल तक होंगे। ये सूख गया है शायद, और जितने भी जैसे ये भी एक मेरा डेंथस है, तो देखिए इसमें नए नए लीफ निकल रहे हैं, और जितने भी ये सूखे हैं इसको यहाँ से ऐसे कट कर दीजिएगा, ऐसे कट करके ऐसे हटा दीजिएगा। देखिए ये पूरे सूखे हुए निकाल दिए, यहाँ से भी देखिए ऐसे ऐसे सूखे निकाल दूंगी मैं सारे। और ये भी एक यहाँ मेरा डेंथस है, देखिए यहाँ पे, और ये मैंने पूरा इसको कट कर दिया था तो नीचे नहीं निकल रहे हैं। और उसके बाद आप एक और काम कीजिएगा, जैसे ये मेरा ऊपर था तो मैं इसे नीचे, अगर आपके पास सेट का कोई रखने का कोई सेट वगैरह नहीं हो तो कोई भी बड़े प्लांट के नीचे ऐसे, जैसे मैंने यहाँ नीचे ला के रख दिया है, इसको रख दे, इसको 2-3 घंटे की धूप, जैसे मेरे ये यहाँ बालकोनी से 2-3 घंटे की धूप आती है तो मैंने यहाँ शेड एरिया में रख दिया है, और 2-3 घंटे की धूप इसको मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आप इसको बिल्कुल पानी ज़्यादा ना दें, एकदम बिल्कुल ऐसे भुरभुरी सौगी रखें, सौगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ड्राई रखें, ज़्यादा पानी नहीं करें, नहीं तो इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी इसके रूट सड़ जाते हैं। और गर्मियों से तो बचाए रखिए, पूरे तेज डायरेक्ट धूप में इसे ना रखें, और शेड एरिया में, जैसे यहाँ मेरे बालकनी से सीधे यहाँ से धूप बहुत छन छन के आती है, 2-3 घंटे की सुबह की मॉर्निंग की धूप आती है, तो उसी जगह रख दे जहाँ मॉर्निंग की 2 घंटे की धूप आए, और किसी पेड़ के नीचे इसे सेव करके रख दे, और पानी इसमें बहुत कम दे, और जैसे भी फ्लावर सूखते जाएँ तो इसको ऐसे यहाँ से इसके ब्रांचेज हटाते जाएँ। और अभी भी इसमें अप्रैल में फ्लावरिंग आएंगे, देखिए इसमें ये देखिए नए नए लीफ निकल रहे हैं, और देखिए अभी भी कितना खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और जैसे सितंबर बरसात का सीज़न आए तो ढेरों फिर से फ्लावरिंग करने लगता है, और यहाँ से आप कटिंग भी इसको बहुत इजी से लगा सकते हैं, जैसे यहाँ से ऐसे तोड़ के आप इसकी कटिंग नीचे से ये पत्ते सारे रिमूव करके यहाँ से कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही इजी ग्रो प्लांट है, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो सीड बनेगा, सीड से भी ये बहुत इजी ग्रो हो जाता है। तो डेंथस को आप गर्मियों में बिल्कुल बचा सकते हैं जैसे मैंने बचाया है, और देखिए अभी बीच में बहुत सारे बर्ड्स आ रहे हैं, अभी शायद ये फ्लावरिंग करेगा अप्रैल तक। तो 3-4 बातों का ध्यान रखिएगा तो आप
इसको नेक्स्ट सीजन के लिए आप बचा लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये, देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर है। पानी देख के ही दीजिए, जब ऊपर वाला सरफेस पूरी तरह से ड्राई हो जाए तभी इसको पानी दीजिए। और अगर आपने डायरेक्ट धूप में रखा हुआ है विंटर के टाइम में, तो आप इसको लाके अब नीचे किसी भी, जैसे कोई ऊंचा सा पेड़ है या बड़े गमले के नीचे, ऐसे आप इसको रख दीजिए जहाँ 2-3 घंटे की धूप आए। तो होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।